प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में उन नेताओं की पूछ परख बढ़ने लगी है जो हाशिए पर चल गए हैं या उन्हें संगठन ने घर बैठा दिया है। पार्टी में नाराज चल रहे इन नेताओं को मनाने के लिए संगठन ने 3 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समेत 14 नेताओं को जिलों में उतार दिया है। ये नेता 15 अप्रैल तक जिलों में घूमकर पार्टी के नाराज नेता एवं कार्यकर्ताओं से संवाद कर संगठन को रिपोर्ट सौंपेंगे। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। भाजपा की इस कवायद का नजारा तब देखने को मिला जब अपने भोपाल प्रवास के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हाशिए पर चल रहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा को मनाने के लिए उनके निवास पहुंचे और साथ में भोजन भी किया। वहीं अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद राकेश सिंह भी इस काम में जुट जाएंगे। तो जानिए आखिर भाजपा ने किन किन भाजपा नेताओं को रूटों को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इन नेताओं को मिली मनाने की जिम्मेदारी। नरेंद्र सिंह तोमर इंदौर भोपाल सीहोर, राकेश सह नर्मदापुरम बैतूल मंडला, प्रभात झा खरगोन बुरहानपुर, गोपाल भार्गव छिंदवाड़ा बालाघाट शिवनी, कैलाश विजयवर्गीय जबलपुर धार रीवा सतना, जयवान सिंह पवैया उज्जैन शाजापुर देवास, माखन सिंह गुना शिवपुरी शिवपुर, कृष्ण मुरारी मोघे विदिशा रायसेन सागर, सत्यनारायण जटिया रतलाम मंदसौर नीमच, फग्गन सह कुलस्ते झाबुआ अलीराजपुर, माया सिंह राजगढ़ नरसिंहपुर दतिया, लाल सिंह आर्य टीकमगढ़ कटनी पन्ना छतरपुर, सुधीर गुप्ता ग्वालियर भिंड मुरैना, राजेंद्र शुक्ल सीधी सिंगरौली अनूपपुर उमरिया शहडोल। हालांकि अब इस पर कांग्रेस बीजेपी में सियासत भी तेज हो चुकी है। भाजपा में ना कोई रूठा है, ना मनाने की कवायद है, ना कोई हाशिए पे चल रहा है और ना भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभात झा जी के घर इस मकसद से गए। भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है जो सतत अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, अपने बूथ लेवल के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी संवाद करता है, नियमित प्रवास करता है, उनके घर जाता है, उनके घर भोजन करता है, उनसे समय समय पर संवाद कर जो भी पार्टी के बारे में, जो पार्टी की रीति नीतियों के बारे में बात करता है। अब ये कयास है, ये तो उड़ाए गए कयास हैं कि रूठों को मनाने की बात की जा रही। कौन रूठा है नाम तो बताए कांग्रेस चले एक भी सामने के कौन रूठा है और ऐसा कौन सा नेता। भारतीय जनता पार्टी में सब एकजुट है, सब एकजुटता से काम कर रहे हैं, यहाँ कोई रूठे वाली कवायद नहीं होती है। ये कांग्रेस में जरूर होता है कि रूठा और मनाने की कवायद। कमलनाथ जी पहले ही पूरे टाइम 5 साल से यही कर रहे हैं, एक रूठता है दूसरों को मनाते हैं, दूसरा रूठता है तीसरों को मनाते हैं और एक के कारण दूसरा नाराज हो जाता है। ये कवायद कांग्रेस में चल रही, भाजपा में सब एकजुट है, कोई रूठा नहीं है, कोई मनाने की कवायद नहीं चल रही। देखिए भाजपा में ना तो अब कहीं कोई कैडर बचा है और ना ही कोई संगठन बचा है। अगर कैडर और संगठन होता तो जिस तरह से उन्होंने हमारी सरकार गिराई उसके बाद 24 सीटों पर उन्होंने अपने नेताओं को दरकिनार किया और नए लोगों को टिकट दिया, साबित होता है कि भाजपा में महाराज और शिवराज के कारण नाराजगी जबरदस्त है। और वैसे उमा भारती जी को आप कैसे मनाओगे जो सड़कों पर लठ लिए घूम रही, कभी कभी दुकानों के शीशे तक फोड़ देती हैं। बाकी कई सारे नेता हैं, भाजपा में लिस्ट लंबी है और ये नाराजगी जो है सिर्फ जो लूट की सरकार बनाई है, हिस्से की लड़ाई है कि किसे क्या मिला किसे क्या नहीं मिला। तो मुझे लगता है ये चाहे किसी को तैनात कर दें, ये लड़ाई थमने वाली नहीं है। 2023 में कांग्रेस की सरकार बनने वाली, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और ये लड़ाई दिन पे दिन देखेंगे और बढ़ेगी। चुनाव आते हैं बहुत ज़्यादा गतिरोध है और ये आपको याद, अभी तो उस तरफ से आपको याद होगा जो वहाँ के सांसद है केपी यादव, वो भी सीधे उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखा था, उन्होंने यहाँ पर बीडी शर्मा जी को पत्र नहीं लिखा था। तो महाराज के जाने के बाद भाजपा में नाराजगी बहुत है और अभी देखिए अभी तो 2-4 लोग आए, ये सिलसिला और लंबा होगा। कांग्रेस की सदस्यता लेने वालों का ये सिलसिला और बढ़ने वाला है, जैसे चुनाव नजदीक आएंगे सिलसिला आपको बड़ा दिखेगा। इस तरह से नेताओं को रूठे बीजेपी नेताओं का काम दिया गया है जिसके जरिए भाजपा विधानसभा चुनाव की बैतरणी पार करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज भोपाल।